तो गाइस अभी हम इमोजी से बॉय यानी लड़के का नाम गेस करेंगे। तो ये पहली वाली इमोजी देखो और मेरे को एक लड़के का नाम बता दो। आई गेस ये तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है। पहला वाला क्या है उसे तुम्हें अंग्रेजी में गेस करना है, सेकंड को भी, और थर्ड तो तुम लोगों को दिख ही रहा है। एक साथ पढ़ो, फटाफट सोचो नाम, आंसर में मेरे को कमेंट बता दो। लगता है मेजोरिटी ने आंसर कमेंट कर दिया है, क्योंकि पहला वाला है गाड़ी जिसे कहते हैं कार, ये है चाय यानी कि टी, और ये है के, तो मिला देने पे प्रोनाउंस करेगा कार्तिक। यस गाइस, गेस कर लिया था ना तुम लोगों ने, तो सभी लोग लाइक मार देना, कंजूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये भी बहुत ही ईजी है तुम लोगों के लिए। आई थिंक तुम लोग पहला वाला इमोजी देख के समझ गए कि वो कौन सा सुपर हीरो, तुम लोगों को बताना है। और फिर ये जो नाम है ये एक भगवान का नाम है। यस गाइस, ये तो मैंने आंसर बता दिया है मैंने, तो अब तुम लोग सब ना मेरे को सब्सक्राइब करके आंसर बताओ। तुम लोग को समझ में आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं। वो यार सभी जबरदस्त लोगों ने सब्सक्राइब किया है, क्यों? क्योंकि पहला वाला है क्रिस और ये मना कर रहे हैं यानी कि ना, तो मिला देने में क्या कृष्णा। यस गाइस, ये तुम कुछ लोग हो जो सब्सक्राइब करने से रह गए थे, तो दबा दो, अब तो आंसर तो समझ में आ ही गया ना। तो चलो अभी थर्ड वाला देखते हैं। ये भी काफी ईजी है, तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा पहला वाला को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ये दूसरा वाला इसको क्या हो गया है, मतलब बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने भाई सारा बता ही दिया। देखो आंसर अब मेरे को चाहिए, उसको मिलाओ, तुम लोगों को समझ में या तो कमेंट में बताओ। वो लगता है आ गए आंसर, क्योंकि पहला वाला है गाय यानी कि काव, और ये दूसरा वाला बीमार है, सिक है, तो मिलादन में क्या प्रोनाउंस कर रहा है, कौशिक। यस गाइस, कौशिक, ये भी गेस कर लिया था ना, बहुत ही सही यार, तुम लोग सब गेस कर रहे हो। तो अब ये वाला बताओ मेरे को, ये भी शायद इजी पड़ेगा क्या तुम लोगों के लिए, तुम लोग काफी अच्छे से बता पा रहे हो पहला वाला क्या कर रहा है वो तुम लोग इंग्लिश में बताना, और ये दूसरा वाला है क्या वो भी तुम लोग इंग्लिश में बताना। वैसे इस चीज को हिंदी में क्या बोलते हैं तो मेरे को भी नहीं पता, ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन अभी तो इसका आंसर बताओ तुम लोग। चलो मेरे को, ओ लगता है सभी ने बताया, क्योंकि पहला वाला भाग रहा है यानी कि रन, और यह है बियर, तो मिला देने पे प्रोनाउंस कर जाएगा रणबीर। एरा गाइस, वैसे यार अगर तुम लोग को पता है बियर को हिंदी में क्या बोलते हैं तो मेरे को बताना यार, मैं सच में कंफ्यूज हो गया हूँ। तो चलो अभी हम लोग ये नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये भी तुम लोग के लिए इजी है, मतलब ये पहला वाला है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, वो बाल पड़ा है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और दूसरा वाला तो तुम लोग को दिख ही रहा है, तो आई गेस तुम लोग आंसर समझ गए हो, तो फिर बता तो मेरे को कि क्या नाम बन रहा है। लगता है आंसर समझ में आ गया है, क्यों? क्योंकि पहला वाला नकली बाल है यानी कि विग, और ये है रम, तो मिला देने पे एक साथ प्रोनाउंस करेगा विक्रम। यस गाइस, विक्रम, क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर ही दिया था? हो सकता है कुछ के लिए टफ पड़ी हो, तो चलो अभी एक इजी वाला दे देते हैं, ये तो तुम लोग बता ही दोगे। पहला वाला तुम लोग को समझ में आ रहा है, सेकंड वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये तुम लोग को बताना है, झट झट से बता दो मेरे को। ये तो काफी उन्हें कमेंट कर दिया होगा, पहला वाला लिखा है वी और यह चाबी यानी कि की, तो मिला देने बन गया विकी, विकी प्लीज, विकी प्लीज, क्या ही देखा था तुम लोगों ने। चलो सही है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, वैसे मैंने सिंपल रखा है तुम लोगों के लिए। अच्छा, ये जो पहला वाला जो लेटर है ना नाम, उससे शुरू नहीं होता है, एक और दूसरा अल्फाबेट उससे शुरू होता है, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया है, तो अभी तुम लोग आंसर मेरे को कमेंट में बताओ, तो मैं वेट कर रहा हूं।
ओ लगता है आंसर आए हैं क्यों, क्योंकि पहला वाला आर और यह जून का महीना, तो मिला दोनों बन गया अर्जुन। अर्जुन जो ए से स्टार्ट होता, मैंने हिंट दिया ही था कि आर से नहीं होता। क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर डाला था? कमाल की बात है यार, लगता है आज सब लोग फुल स्कोर मारने के एकदम फिराक में बैठे हैं। तो चलो अभी ये वाला बता दो, ये वाला भाई क्या लग रहा है तुम लोगों? इसमें पहला वाला इमोजी देखो, दूसरा वाला तुम लोगों इंग्लिश में बताना है, थर्ड वाले को भी हम लोग क्या कहते हैं वो भी तुम लोगों इंग्लिश में बताना है, तो इससे तुम लोगों आंसर समझ में आ जाएगा। ये भी काफी कॉमन राम राव है, बस इससे ज्यादा हिंट में नहीं दे सकता, तो बता दो मेरे को। लगता काफी लोगों ने बता दिया क्यों, क्योंकि पहला था दिखी रहा, ये है डबल ए यानी आ, ये मधुमक्खी यानी कि बी, और ये एक मिल्क शेक यानी कि शेक, तो मिलादन में प्रोनाउंस करेगा अभिषेक। यस गाइस, क्या तुम लोगों ने अभिषेक गेस कर लिया था? ये काफी कॉमन नाम रहा है, आई थिंक तुम लोग समझ ही गए थे। चलो फिर अभी ये नेक्स्ट वाला भी बता दो मेरे को, ये भी काफी फेमस नाम है यार, अभी एक फिल्म आई थी KGF, बस यही एक बहुत बड़ा हिंट हो गया, उसमें अपने मेन हीरो का नाम था, अब तो तुम समझ गए। सभी लोग कमेंट करो भाई, सभी लोग। यार सभी ने कमेंट कर दिया है क्योंकि पहला वाला एक पत्थर है जिसे कहते हैं रॉक, और यह है चाबी यानी कि की, तो मिलाज ने बन गया रॉकी। सलाम रॉकी बाय, हम लोग ने गेस कर दिया है ना, बहुत ही सही। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। मुंबई में बहुत बड़ा टोर्नेडो आने वाला था और सभी के फोन्स में उसका अलर्ट मैसेज आ चुका था। मीता को भी ये बात पता चल चुकी थी, पर फिर भी उसे बहुत जरूरी सामान बाजार से लाना था, तो वो घर के बाहर गई, गाड़ी में बैठी और आगे बाजार के लिए चल दी। बाजार में उसने कुछ सामान खरीदा, इतने में ही वहां बड़ा सा टोर्नेडो आ गया। मीता तो अब सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसे वहां पास में तीन ऑप्शंस दिख रहे थे। पहला कि वो अपने गाड़ी में बैठ जाए और टोर्नेडो का खत्म होने का वेट करे। दूसरा ऑप्शन, वही पास में एक खड्डा था जिसके अंदर मीता जा सकती थी और उस टोर्नेडो का खत्म होने का वेट कर सकती थी। तीसरा ऑप्शन, वहाँ पास में एक पेड़ भी है, मीता उसके ऊपर चढ़ सकती है और टोर्नेडो खत्म होने का वेट कर सकती है। अब मीता के पास कुछ ही सेकंड्स है, उसे डिसाइड करना है कि उसके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, क्या आप ये सोचकर बता सकते हैं कि आखिर मीता को क्या करना चाहिए ताकि वो उस टोर्नेडो से बच जाए? एक बार आप अच्छे से सोचिए और अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। टोर्नेडो से बचने के लिए अगर मीता गाड़ी वाला ऑप्शन चुनती तो वो गाड़ी तेज टोर्नेडो के साथ ही उड़ सकता था। सेम ही चीज होता अगर वो थर्ड वाले ऑप्शन यानी पेड़ पे चढ़ने वाला ऑप्शन लेती, क्योंकि पेड़ भी टूट के टोर्नेडो के साथ जा सकता है। तो ऑप्शन बचता है ये सेकेंड वाला, मीता को खड्डे में छुप जाना चाहिए क्योंकि खड्डे के अंदर टोर्नेडो आएगा ही नहीं और उसे कुछ भी नहीं होगा और वो सेफ रहेगी। क्या आपने भी सही आंसर गेस कर लिया था?